जितने भी साथी मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी, जो जुड़े हुए हैं वो भी, जैसे ही इस आईडी पर, इस लाइव वीडियो पर, भैया जी के लाइव वीडियो पर जुड़े भाई, वैसे ही सभी को इनवाइट कर ले और वैसे ही इस लाइव वीडियो को शेयर कर दे भाई। साथियों, कोई ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, आपकी फेसबुक की वॉल छूटनी नहीं चाहिए। और भाई शेयर का बटन जो है ना, तोड़ दो, डुंडा उठा दो, क्योंकि हरियाणा का गुड़गांव जिला आप अच्छी तरह जानो भाई, हरियाणा का गुड़गांव जिला है। और इस गुड़गांव में मैं रोड है खांडसा रोड भाई, हम सारे साथी जो बैठे आड़े हैं सारे भीम सैनिक गांव खांडसा के रहने वाले हैं। और भाई जितने भीम सैनिक गुड़गांव में है, हरियाणा में है, या अन्य किसी राज्य में है, या गुड़गांव से सटी राजधानी हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से है, अगर आप कंट्रीब्यूशन पूरा सहयोग देना चाहो, ये आंदोलन जो हो रहा है समझ गए होंगे आप, क्यों हो रहा है बताऊंगा भी, आप कंट्रीब्यूशन देना चाहो, साथ देना चाहो, तो आप खांडसा गांव आ जाना 2 तारीख को, 2 नवंबर को। और अगर आप आने के लिए प्रेफर ना हो, मजबूर हो, नौकरी जाना हो, काम धंधे पे जाना हो, तो भाई रे शेयर का बटन जरूर दबाइयो। और यह बात मैं एक कटाक्ष वाली भी कह रहा हूं, छुट्टी मेरे भाई एक दिन की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बालक भूखे ना मर जाएंगे एक दिन की छुट्टी करने। 2 नवंबर है मेरे साथियों, लाइक मारो, शेयर मारो और कमेंट मारो, जय भीम होनी चाहिए चारों तरफ, गूंजना चाहिए सबकी मैं, क्योंकि थारता जो बात बताने वाला हूं ना मैं, थारे भैया जी ने आवाज उठा दी, थारी गल मिलकर सब ने, आगे का काम तुमने पूरा करना है भाई। गुड़गांव में खांडसा रोड पर अंबेडकर चौक का नाम बदल दिया गया है, अंबेडकर चौक का नाम बदल करके बीकानेर चौक रख दिया है। ये किया किसने है? ये हरियाणा की मनुवादी सरकार ने किया है, ये गुड़गांव नगर निगम जो मनुवादी नगर निगम है ये उसने किया है भाई। हमारे महापुरुषों के नामों के साथ खिलवाड़ यूपी में तो सुना था, आवाज बिठाओ सारे देश के अलग अलग इलाकों में, या मोदी सरकार करने लग रही है, आज हरियाणा के गुड़गांव में होया है। वायदे का पता बर्दाश्त करे नहीं, और थम भी बर्दाश्त नहीं करोगे तो भीम सैनिक कल आओगे खुले। और भीम सैनिकों, थारता आह्वान है भैया जी का, 2 नवंबर को सुबह 10 बजे गांव खांडसा जिला गुड़गांव हरियाणा की अंबेडकर चौपाल में सारे भाइया ने, बहना ने, हमारी माताओं ने, बुजुर्गों ने, और ओड ओड छोटे छोटे बालका ने भी, जो आने वाले देश का भविष्य होंगे, उनको भी सबको नीला झंडा मोटा डंडा लेकर के भाई गांव खांडसा आना है अंबेडकर चौपाल। आंदोलन होगा, यो आंदोलन है अंबेडकर चौक बचाओ आंदोलन। भैया जी सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं करते, इसलिए कहते हैं ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी। एक एक भीम सैनिक एटम बम के बराबर ताकत रखता है, एक एक भीम सैनिक अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। आप शेर हो, शेर, और शेरों की काम को जो सरकार छेड़ेगी ना, तो ये सरकार अपनी खैर बना ले। साथियों, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, आंदोलन हमारा अधिकार है, हड़ताल करना हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार कोई माई का लाल हमसे छीन नहीं सकता। हम बाबा साहब के बच्चे हैं और बाबा साहब के नाम के साथ खिलवाड़ भाई कैसे सहन कर लेंगे। इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर मारो, मैसेज करो, लोगों को फोन करो, एसटीडी करो, ऑटो से आओ, बसों से आओ, ट्रेन से आओ, कैसे भी करके आओ, आपको आना होगा, आना होगा। गांव खांडसा की धरती पुकार रही है आपको, सारे मारे खांडसा के भीम सैनिक पुकार रहे भाई, भीम सेना पुकार रही है आपको, और जितने भी भीम सेना के भीम सैनिक हो, इंडिविजुअल हो, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, कोई भी पार्टी से जुड़े हुए हो, भाई भीम सैनिक हो, भीम सैनिक का तमगा लग गया है। और भाई यो दिल से उठी क्रांति शरीर की चिंता नहीं करती कि शरीर मारा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, केस लग जाएंगे, नहीं रे, संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन करे हैं। और जब भी आपके भैया जी ने आंदोलन किया है ना, तो वो सफल बनाए हैं। और भाई हमने सबने मिलकर बनाए सफल, सब ने मिलना होगा गैल ने, और कट्ठे होकर का आवाज उठानी पड़ेगी। आज अंबेडकर चौक का नाम बदला है भाई, कल थारे घर का नाम बदलेंगे, थारी गली का नाम बदलेंगे,
थारे भवन का नाम बदलेंगे और थारा भी नाम बदल देंगे भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, सारा ना आवाज उठानी पड़ेगी। भीम सैनिको आवाज दो, भीम सैनिको आवाज दो, भीम सैनिको आवाज दो। साथियों मैसेज पहुंचाना सब तक आपका काम होगा, और 2 नवंबर को जो नीली महाक्रांति होगी ये सरकार को भी देखना होगा और सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना होगा। अंबेडकर चौक है, था और रहेगा, ये हम करवा करके रहेंगे। साथियों मरे हुए लोग वो होते हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, और सरकार को एहसास कराना होगा कि हम भीम सैनिक मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, जिंदा और जिंदा भीम सैनिक क्रांति करते हैं। जय भीम। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।